नाउ यू हैव लीनियर इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स. थ्री अननोन्स मतलब एक्स वाई और जेड, तीन लाइन्स हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये किस फॉर्म की होगी? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन. डी वन डी टू डी थ्री कॉन्स्टेंट्स हैं. ए वन ए टू ए थ्री एक्स के कोएफिशिएंट्स है, बी वन बी टू बी थ्री वाई के कोएफिशिएंट्स है, सी वन सी टू सी थ्री जेड के कोएफिशिएंट्स हैं. सो सबसे पहले हमें डी लिखना है. डी में क्या आएगा? कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं लेने हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लिख देने हैं. देन डी एक्स, डी एक्स में क्या आएगा? एक्स के कोएफिशिएंट्स को हटाकर कॉन्स्टेंट टर्म्स लिख देने हैं. दिस यू कैन सॉल्व यूजिंग एक्सपांशन और प्रॉपर्टीज इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई. डी वाई क्या आएगा? डी वाई में वाई के कोएफिशिएंट्स हटाकर कॉन्स्टेंट लिख देना है. डी जेड क्या आएगा? एक्स और वाई सेम रहेगा, जेड के कोएफिशिएंट्स को हटाकर वहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म लिख देना है, दैट इज डी वन डी टू डी थ्री, राइट. सो अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी. अब इसमें भी कंडीशन है कि डी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में. सेम इसमें भी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी होता है, डिपेंडेंसी एंड इनडिपेंडेंसी होती है. थ्री केसेस इसमें फॉर्म होते हैं. सबसे पहले तो डी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो एग्जैक्ट नॉर्मल वाला, तीनों लाइन है इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनडिपेंडेंट. अब डी जीरो में दो केसेस आ जाते हैं, दो केसेस, जब डी एक्स डी वाई डी जीरो इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो है, ठीक है. नॉन जीरो है मतलब वो आ जाएगा पैरेलल लाइंस, तीनों तीन जो है वो एग्जैक्ट पैरेलल है, कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, राइट. अब डी जीरो में सेकेंड कंडीशन है हमारी, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों तीन जीरो है, ठीक है. तो इसे हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में इट मे और मे नॉट हैव सॉल्यूशन. इसमें अगर सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट आ जाएगा. अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट आ जाएगा. सो इस कंडीशन के बाद हमें उसको सॉल्व करके देखना रहेगा, जैसे हमने टू वेरिएबल में किया था. एक्स इज इक्वल्स टू टी लेके हमने अज्यूम किया था और हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूव किया था. अगर LHS और RHS प्रूव हो गए, देन यू हैव इनफाइनाइट कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सॉल्यूशन, राइट. यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्री वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स, पूरी एक्सरसाइज है एक इस पे बेस्ड. यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, यू विल कम टू नो हाउ यू हैव टू सॉल्व. नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स. दो ही अननोन्स है एक्स और वाई, लेकिन इक्वेशंस हमारे पास तीन दी हुई है. अब ये तीन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? जो ऊपर वाले को दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आए, वो तीसरे को सेटिस्फाई अगर करे तो वो कंसिस्टेंट है. तो पहले दो से एक्स का जो आंसर आ रहा है और वाई का जो आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, वो हम अगर थर्ड इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे डाल दें, राइट. ए थ्री इंटू एक्स की वैल्यू, बी थ्री इंटू वाई की वैल्यू प्लस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो. जब तुम एलसीएम लोगे तो ए थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा, बी थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा और सी थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर उस तरफ चला जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट. अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें इस तरह का डेट मिलेगा एक्सपांडिंग अलोंग रो वन, क्लियर. जब इसको सॉल्व करोगे सो तीन इक्वेशंस अगर दिए हुए और पूछा है कंसिस्टेंट है कि नहीं, बट वेरिएबल्स दो ही है, तो उसको तुम्हें क्या करना है? तीनों वेरिएबल, तीनों इक्वेशंस के एक्स के कोएफिशिएंट, तीनों वेरिएबल इक्वेशन के वाई के वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म को डेट इक्वल्स टू जीरो करके इक्वेशन सॉल्व करके चेक कर लेना है. अगर डेट जीरो आता है तो कंसिस्टेंट है, अगर डेट जीरो नहीं आता तो कंसिस्टेंट नहीं है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. एक्स और वाई ही है लेकिन तीन इक्वेशंस हैं. सो हम वन टू थ्री एक्स के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स माइनस टू माइनस वन वन और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे. आंसर जीरो आ रहा है, मतलब ये कंसिस्टेंट है, क्लियर. इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशन कंसिस्टेंट है मतलब डेट इनका जो है वैल्यूज का वो जीरो होना चाहिए. सो फोर
3k, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 7, माइनस 1, प्लस 1, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हें इक्वेशन बनेगा जिससे तुम्हें k का आंसर निकल जाएगा। सो योर डिटर्मिनेंट चैप्टर एंड्स, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। 3 वेरिएबल वाले मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, यू कैन सॉल्व एंड क्लियर योर डाउट्स।